तो सुपर सेट्स एक एडवांस टेक्निक है आपके मेन मसल को कम्प्लीटली फटी करने के लिए, टाइट करने के लिए। लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स और इंटरमीडिएट एथलीट उनको पता नहीं होता सुपर सेट करते क्यों है और एक्सरसाइज सिलेक्शन कैसे करना है। तो देखो, अगर आप प्रेसिंग मूवमेंट के साथ डिप्स कर रहे हैं, जैसे बेंच प्रेस के साथ आपने पुशअप किया, ये सुपर सेट नहीं है। या आपने इंक्लाइन बारबेल के साथ डंबल प्रेस कर लिया, ये भी सुपर सेट नहीं है। सुपर सेट में एक कंपाउंड मूवमेंट होगा, एक आइसोलेशन मूवमेंट। अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो जितने भी प्रेसिंग मूवमेंट है, बारबेल या डंबल प्रेसेस, पैरेलल बार डिप्स है या पुशअप्स है फ्लोर पे, वो सब कंपाउंड मूवमेंट है। जितने भी फ्लाइज हैं, डंबल फ्लाइज या केबल फ्लाइज या पैक डेक फ्लाई, वो सब आइसोलेशन मूवमेंट है। तो आपने पहली एक्सरसाइज अपनी जो मेन मसल आपका, जैसे चेस्ट को ट्रेन करना है, फ्लैट बेंच प्रेस सिंगल करो, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, इसके साथ सुपर सेट नहीं करना, लोड आने दो चेस्ट पे पूरा। अब जब अगली एक्सरसाइज में जाएंगे तो इंक्लाइन बेंच के साथ आप चाहें तो डंबल फ्लाइज या केबल क्रॉस ओवर को सुपर सेट कर सकते हैं। सुपर सेट इसलिए करते हैं क्योंकि मेन मसल आपका बाद में फटीग करता है, पहले आपका ट्राइसेप फटीग कर जाता है, क्योंकि ट्राइसेप की हेल्प से बेंच प्रेस लगाते हो आप। तो मेन मसल में अभी स्ट्रेंथ बची हुई थी, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम प्रेसिंग मूवमेंट के साथ तुरंत बिना रेस्ट किए केबल फ्लाइज या डंबल फ्लाइज करेंगे तो वो भी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका मसल। तो आप इंक्लाइन बेंच के साथ करेंगे तो इंक्लाइन पे ही डंबल फ्लाइज या लोअर पुली पे केबल क्रॉस ओवर करें। अगर आप फ्लैट डंबल प्रेस के साथ करना चाहते हैं तो आप अपर पुली पे कर सकते हैं इसको। बाकी एक ही सुपर सेट काफी है, बाकी एक्सरसाइज अपनी सिंगल सिंगल लगाएं और आपका जो मसल है पूरी तरह से टायर्ड हो जाएगा बिना आपके ट्राइसेप को बहुत ज्यादा फटीग किए। तो आप देखना, इसका आपके मसल पे पंप भी ज्यादा आएगा, मसल टॉर्चर भी ज्यादा होगा, मसल का ग्रोथ भी ज्यादा मिलेगा आपको। थैंक यू।